ओके सर, तो चलो फाइनली मैं बात कर ही लेते हैं यार कनेक्ट 2 के बारे में। मैं इतना लेट वीडियोस क्यों बनाता हूँ ये मुझे खुद नहीं पता यार, क्योंकि तू आलसी है साले। चुपे, सॉरी। तो चलो भूल जाओ कि मैं लेट हो गया। सोचो मैंने कल ही एक्ट 1 की वीडियो डाली थी, तो इसलिए सबसे पहले जाके उस वीडियो को देख लो, एक्ट 1 वाली दोबारा देख लो अगर देख चुके हो, भूल गए होगे ऑब्वियसली। खैर, इस वीडियो में मैं सिर्फ एक्ट 2 पे बात करूंगा, जो एक्ट 1 के बाद की स्टोरी है। वाह, मैंने फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो में मोस्टली हर करेक्टर के बारे में बात करी थी, छोटे बड़े सब पे, और बताया भी था कि लीग ऑफ लीजेंड्स में 150 से ज़्यादा करेक्टर हैं। तो अब एक्ट 2 में भी कोई ज़्यादा करेक्टर्स इंट्रोड्यूस नहीं हुए, और अगर कोई होंगे भी तो उस पर डिटेल में बात करूंगा ही मैं, इसीलिए तो तुम्हारा भाई बैठा है यहाँ पर। तो चलो शुरू करते हैं आर्केन एक्ट 2। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो मेरी गलतियों को माफ़ करना, बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ मैं आप लोगों से, थोड़ा ज़्यादा हो गया शायद, लेकिन कोई ना, मुद्दे की बात सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो लेट्स स्टार्ट एंड यू ऑल जस्ट हैव टू सिट डाउन, कीप काम एंड लिसन टू मी। तो सबसे पहले चुन्नू सा रिकैप ले लेते हैं। तो आप सबको याद होगा कि एक्ट 1 में लास्ट में अपनी दो प्यारी बहनों के बीच में दंगा फसाद हो गया था, मतलब दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए थे। रीज़न था कि पाउडर, बोले तो जिंक्स, इसकी वजह से इन दोनों बहनों की पूरी लाइफ चेंज हो गई थी, अपसाइड डाउन हो गई थी, क्योंकि पाउडर की छोटी सी गलती की वजह से इनके लव्ड वंस इनके सामने मर गए थे। तो लास्ट में पाउडर चली गई थी विलन के साइड, सिल्को के साइड, या बोल सकते हो कि सिल्को ने इसको अडॉप्ट कर लिया था आकर, और अदर साइड में अकेली रह गई थी वाई। यहाँ पर इतना बड़ा जो धूम धड़ाका हो गया था, इस वजह से वाई को उठा के जेल में डाल दिया था पिल्टोवर वाले लोगों ने। तो कुल मिला के ये दोनों बहनें एक दूसरे से जुदा तो हो ही गई थी, लेकिन साथ में दोनों बिल्कुल अलग अलग डायरेक्शन में भी चली गई थी, स्पेशली पाउडर। तो अब कुछ साल बीत जाते हैं और यहाँ से एक्ट 2 स्टार्ट होता है। तो पहले पाउडर पे आते हैं। सोविया थोड़ी बड़ी हो गई होती है और इसका नेम चेंज हो जाता है पाउडर से जिंक्स हो जाता है। इसने अपना खुद नया नामकरण कर लिया होता है। जिंक्स नेम इसने इसलिए रखा होता है क्योंकि लास्ट टाइम वाई ने गुस्से में इसको जिंक्स बोला था। जिंक्स मतलब कर्स होता है, बताया था मैंने। तो बंदी ने अपना नेम यही रख लिया। खैर, अब यहाँ पर इसको बिल्कुल ऐसे समझो कि इसके अंदर की वो जो छोटी नन्नी बच्ची मासूम प्यारी पाउडर थी ना, वो अब इसके अंदर मर चुकी है। इसके अंदर का अब अपरचित जग चुका है, ये पूरी झल्ली बन गई होती है। अब इसको लोगों को मारना अच्छा लगता है, गोलियां बमन चलाना अच्छा लगता है, ये फोकट में ही गोलियां चलाती रहती है। और याद होगा तो छोटे से ही ये चीज़ें बिल्ड किया करती थी, तब वो काम नहीं करती थी, बट अब ये प्रोफेशनल लेवल पे आ गई होती है। ये अपने खुद के हथियार वगैरह खुद बिल्ड करती है, खुद डिज़ाइन करती है, और अपनी सारी तोड़ने फोड़ने वाली चीज़ें भी खुद ही बनाती है। और ये इतनी विलन टाइप इसलिए भी बन गई होती है क्योंकि भूलना मत कि ये किसके लिए काम करती है, सिल्को के लिए, जो खुद एक विलन है। हालांकि जिंक्स इसके अंडर तो काम करती है लेकिन इसके लिए काम नहीं करती। सिल्को खुद डरता है इससे क्योंकि वो जानता है ये लड़की पागल है पूरी, कब क्या कर देगी इसको खुद ही नहीं पता है। बेचारी के साथ बस बचपन में जो कांड हो गया था तो वो पूरा ट्रॉमा इसके दिमाग में बैठ गया होता है, और दया भाव पूरा मर गया इसके अंदर का। और इसके हिसाब से इसकी बहन भी इसके साथ नहीं है फिलहाल। सिल्को को लग रहा था कि वाय मर चुकी थी वो धूम धड़ाके में, इसकी बॉडी इसको कहीं मिली नहीं थी क्योंकि वो एक्चुअली में जेल में थी पिल्टोवर के, और एक पुलिस वाले से भी इसने पता लगवाया था तो उसने इसे झूठ बोल दिया था, उसने बता दिया था कि वो मर चुकी है, मतलब वाय मर चुकी है। तो ये भी एक रीज़न होता है जिंक्स के पागल होने का। इसके हिसाब से इसकी दुनिया में अब इसका कोई नहीं है, इकलौती बहन थी वो भी नहीं रही अब। और एक थ्योरी और है यहाँ जिंक्स के पागल होने के पीछे, आप सबको वो शिमर याद होगा, वो लिक्विड टाइप पदार्थ जिसको ड्रग्स भी बोल सकते हो, इसका यूज़ करने के बाद बॉडी में अलग तरह की खुजली मचने लगती थी, बॉडी हील तक हो जाती थी, और अगर ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करते हैं इसको तो बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं, एकदम मॉन्स्टर टाइप लोग बन जाते हैं, जैसा अपने को लास्ट पार्ट में दिखाया गया था। तो अपने को यहाँ दिखाया जाता है कि जब जिंक्स अपने हथियार वगैरह बनाती है तो ये शिमर का यूज़ करती है। तो अब ऐसे समझो कि जब ये शूट करती है, अपनी गोलियाँ चलाती है, तो उससे जो गैस निकलती है वो शिमर ही होता है, और फिर जिंक्स उसको इनहेल कर लेती है जिससे इसके दिमाग में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, क्योंकि आखिर है तो वो ड्रग्स ही। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है जिंक्स के पीछे, इसके पागलपन के पीछे। खैर, एक और चीज़ बता दूँ कि जिंक्स यहाँ पर अपनी बंदूकों को पाव पाव बोलती है, वो इसलिए क्योंकि छोटे में वाई इसको प्यार से पाव पाव बोलती थी, पाउडर का शॉर्ट फॉर्म पाव पाव। बेचारी को कितना गहरा सदमा लगा है समझ सकते हो यहाँ से। एनीवे, तो अब सिल्को को भी यहाँ पर मत भूलना, जॉन बोले तो अंडर सिटी, यहाँ पर इसका रुतबा और बढ़ गया होता है क्योंकि अपने वेंडर चचा तो अब चल बसे, और पहले वही किंग था पूरे जॉन का। तो अब उसके जाने के बाद सिल्को मेन बादशाह बन गया होता है यहाँ का। इसके अंडर बहुत से विलीनियस करेक्टर काम करते हैं, और साथ में भूलना मत इसका वो शिमर, वो लिक्विड टाइप पदार्थ जो बताया मैंने। तो अब यहाँ वेंडर के जाने के बाद अंडर सिटी में बहुत से नॉर्मल लोग इस शिमर का यूज़ करने लगे थे, उनकी बॉडी तो डैमेज होती थी इस चीज़ से, बट स्टिल माल फूकने के लिए कुछ भी, वही वाला सीन है। तो कुल मिला के जॉन की बहुत बुरी हालत होती है यहाँ पर, जितनी पहले थी उससे भी ज़्यादा हो चुकी है अब, और सबका रीज़न यही सिल्को एंड इसका शिमर ही है फिलहाल के लिए। तो अब वाई और पाउडर को थोड़ी देर साइड में रखते हैं और अपन जेस एंड विक्टर पर बात कर लेते हैं। तो आपको इनकी हैक्सटेक टेक्नोलॉजी याद होगी, मैजिक प्लस साइंस वाली। तो अब इतना जो टाइम बीत गया होता है,
सो इनकी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा हाईफाई हो गई होती है। लास्ट टाइम जेस लोगों ने क्रिस्टल का यूज करके टेलीपोर्टेशन करना सीख लिया था, तो ये चीज यहाँ बड़ी कॉमन हो गई होती है। इसका यूज करके काउंसलर्स लोगों के बिजनेस वगैरह चलने लगे थे, मतलब बड़ी चीजों को एक सेकंड में एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर देना ऐसे करके। फिल्टओवर के लोगों को काफी प्रॉफिट हो रहा था इस चीज से, एंड ऑल थैंक्स टू जेस। विक्टर ने भी जेस जितनी ही मेहनत करी थी, इवन इससे ज्यादा करी थी इस रिसर्च पे, लेकिन विक्टर ज्यादा सबके सामने नहीं आता था, वो पीछे ही रहता था, इसलिए लोग उसको जानते ही नहीं थे। सबके लिए जेस ही भगवान बन गया था, आम जनता के लिए मसीहा बन गया था, क्योंकि सबको लग रहा होता है कि ये जेस की ही रिसर्च अकेले की। और इसी वजह से पब्लिक वोटिंग के द्वारा जेस को भी काउंसलर बना दिया जाता है। याद होगा मैंने बताया था यहाँ पर गवर्नमेंट टाइप चलती है पिल्टओवर में, कुछ लोग होते हैं काउंसलर नेम से, सब कुछ यही हैंडल करते हैं। बेसिकली सारे जितने मेन फैसले लिए जाते हैं वो सब इनके अंडर आते हैं। तो अब जेस भी इन्हीं में से एक बन जाता है, मतलब एक काउंसलर बन जाता है। तो अब यहाँ से इसके हाथ में हैशटैग के साथ साथ पॉलिटिकल पावर भी आ चुकी होती है। एनीवे, वो छोटू सा प्राणी भी याद होगा, हैमरडैंगर, वो भी काउंसलर का हिस्सा था। तो लास्ट टाइम भी हेक्स क्रिस्टल के अगेंस्ट था, तो यहाँ पर इतना टाइम बीतने के बाद भी ये मन ही मन इसके अगेंस्ट होता है इस मैजिक प्लस साइंस वाली चीज पे, बट कुछ बोलता नहीं है क्योंकि जेस की रिसर्च से लोगों को प्रॉफिट ही हो रहा होता है फिलहाल, किसी को खतरा नहीं होता। और अब जेस और विक्टर ने उस हेक्स क्रिस्टल को थोड़ा और इन्हेंस कर दिया होता है, पहले उससे ब्लास्ट वगैरह हो जाते थे, काफी नुकसान हो जाता था, तो अब इन्होंने क्रिस्टल को एक बॉल, बोले तो जेम में कन्वर्ट कर दिया था। इसको नेम भी दिया था हैशटैग जेमस्टोन। तो इस जेमस्टोन से अब कोई ब्लास्ट वगैरह नहीं होते, कोई नुकसानदायक चीज़ नहीं होती। इसका यूज़ होता है डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए। बेसिकली जिन चीज़ों में इसको डाला जाता है वो पावरफुल बन जाती हैं। जैसे जेस और विक्टर मिलके इस जेमस्टोन से एक बड़ा सा गॉन्टलेट टाइप बनाते हैं, लेजर बीम बनाते हैं, और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें बनाते हैं। तो इन सारे गैजेट्स को जेमस्टोन से पावर मिलती है। ये दोनों अपनी फैंटेसी के लिए नहीं कर रहे होते हैं सब। जेस और विक्टर दोनों के दोनों काफी अच्छे बंदे होते हैं, ये इतनी सारी चीजें बना रहे होते हैं ताकि ये लोगों की हेल्प कर सकें, बेसिकली लोगों के कामों को आसान कर सकें, उनको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। हालांकि जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि इनको तो लग रहा होता है इस टाइम पे कि जेमस्टोन और हेक्स क्रिस्टल इनसे कुछ नुकसान नहीं होता पब्लिक का, बट अपन देख चुके हैं कि ये कितने ज्यादा डेंजरस होते हैं, लोगों की चुटकियों में जान चली जाती है। तो ये चीज़ हैमरडैंगर भी समझ रहा होता है। ये बोलता है इन दोनों साइंटिस्ट से कि तुम ये सब जो बना रहे हो अच्छी बात है बनाओ, लेकिन इन चीज़ों को अभी पब्लिक के सामने, पब्लिक के हाथों में मत दो। हैमरडैंगर के हिसाब से अभी इनको 50-100 सालों तक इस चीज़ पर रिसर्च करनी चाहिए, फिर सारे सेफ्टी मेजर्स चेक करने के बाद तब पब्लिक को इस टेक्नोलॉजी से रूबरू कराना चाहिए। लेकिन शायद ये भूल गया था कि इसकी ही एज ज़्यादा होती है यहाँ पर, मतलब जल्दी मरने नहीं वाला ये। बट जेस और विक्टर ये इसकी तरह 100-300 साल लेके नहीं आए ऊपर से, तो इन दोनों को चुल्ल मची होती है कि जल्दी से रिसर्च करें और लोगों तक अपनी टेक्नोलॉजी को पहुंचाएं। वैसे इनके भी कोई रॉन्ग इंटेंशंस नहीं होते, बताया मैंने, ये सिर्फ पब्लिक के हित के लिए काम करना चाहते हैं। खैर, तो हैमरडैंगर की वजह से पहले तो जेस चुप हो जाता है, ये लोगों तक अपनी टेक्नोलॉजी नहीं पहुंचाता। बट एक दिन अचानक से विक्टर की तबीयत खराब होने लगती है। एक्चुअली में इसको कैंसर टाइप कोई बीमारी होती है, और या फिर हो सकता है कि क्रिस्टल की वजह से इसको बीमारी हो जाती है। ज़्यादा टाइम नहीं बचा होता इसके पास, काफ़ी सीरियस इशू होता है इसके ऊपर। इसको देख के भी लग रहा होता है कि काफ़ी वीक हो रहा है ये। ऐसा इसलिए भी हो रहा होता है कि ये अपना पूरा टाइम दे रहा होता है सिर्फ और सिर्फ हैशटैग में रिसर्च करने के लिए, या और कहीं नहीं जाता, सिर्फ क्रिस्टल इम्प्रोवाइज करने में लगा रहता है, उसकी एबिलिटी जानने में लगा रहता है। और यहाँ पर ये विक्टर एक और राज जान जाता है क्रिस्टल के बारे में, कि ये ऑर्गेनिक मैटर पर रिएक्ट करता है, मतलब लिविंग बींग्स पे। पेड़ पौधे इसके टच में आते ही हील कर जाते हैं, फास्टली रिप्रोड्यूस कर जाते हैं, लेकिन ज़्यादा देर के लिए नहीं, कुछ टाइम बाद वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो विक्टर के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है ह्यूमन लाइफ के लिए, अगर इन्होंने इस पावर को कंट्रोल करना सीख लिया तब, तो पेड़ पौधों की तरह ह्यूमंस भी जल्दी हील हो सकेंगे, और मे बी इनको इन्फिनिट लाइफ मिल जाए, मतलब अमर होने का एक तरीका। और यहीं पर एक थ्योरी आती है इसी चीज़ से कि मे बी वो जो हेक्स क्रिस्टल है ये एक्चुअली में एक लिविंग थिंग है, क्योंकि हमें बहुत बार क्रिस्टल के पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया को दिखाया गया है, और ऐसा फील होता है कि इसके अंदर कोई है जो सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा है। हैमरडैंगर बस इस बात को समझ रहा होता है, और ये बहुत डर भी रहा होता है। जेस भी इस चीज़ से, इस रिसर्च से काफ़ी खुश होता है, क्योंकि अगर ऐसा करना पॉसिबल हुआ, अगर क्रिस्टल के पावर को कंट्रोल करना सीख गए जिस तरह ये पेड़ पौधों को हील करता है, तो ये विक्टर को भी हील कर पाएगा, उसको मरना नहीं पड़ेगा इतनी जल्दी। तो इस वजह से ये पूरी काउंसलर की मीटिंग बैठलवाता है और सबको अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता है, और जेस खुद एक काउंसलर बन गया था तो सब इसके साथ खड़े होते हैं सिवाय हैमरडैंगर के। ऑब्वियसली याद होगा बताया था मैंने कि इसने अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ें देख रखी थी जिससे ये जानता था कि ये हेक्स क्रिस्टल कितना ज़्यादा डेंजरस है हम सबके लिए। तो इस वजह से जेस गुस्से में आके सभी काउंसलर से ऐसा बोलता है कि हैमरडैंगर बहुत महान साइंटिस्ट तो है, बट अब इनकी एज हो चुकी है, सही तरीके से चीज़ों को देख नहीं पा रहे। तो जेस सबसे वोट लेता है कि हैमरडैंगर को काउंसलर के पद से रिटायर हो जाना चाहिए। तो अब हर कोई जो जेस के साथ था इस चीज़ पर राजी हो जाता है, और बेचारे हैमरडैंगर को ना चाहते हुए भी रिटायर होना पड़ता है, मतलब अब से ही काउंसलर नहीं है, एक नॉर्मल ह्यूमन तो है ही नहीं है, तो नॉर्मल प्राणी है अभी।
इसके खुद के लिए काफ़ी दिल दुखाने वाली चीज़ होती है, क्योंकि इसने स्टार्ट से ही जेस को सपोर्ट किया था उसकी रिसर्च में और सभी चीज़ों में। इवन इसी की बदौलत जेस काउंसलर बना था, तो अब उसी ने इसको काउंसलर के पद से हटवा दिया। घोर कलयुग, तभी ज़्यादातर बुजुर्ग लोग सनकी होते हैं आजकल। खैर, अभी साइड एक कैरेक्टर और थी, केटलिन। एक्ट वन में इसका कोई ज़्यादा खास रोल नहीं था, बट अब यहाँ से इसकी इंपॉर्टेंट जर्नी स्टार्ट होती है। ये गेम में भी एक कैरेक्टर होती है, शार्प शूटर होती है ये, क्योंकि इसने बचपन से ही काफ़ी ट्रेनिंग ली थी इस चीज़ की। तो यहाँ सीरीज में पिल्टोवर में रहती है और एक काउंसलर की बेटी होती है, और साथ में जेस की अच्छी वाली दोस्त भी होती है, उसकी गर्लफ्रेंड नहीं होती, बस उसकी दोस्त होती है। तो जब ये बड़ी हो जाती है तो इसकी माँ ज़बरदस्ती इसको पिल्टोवर की पुलिस टाइप ग्रुप में शामिल करवा देती है। हालांकि इसका छोटा सा रोल होता है चौकीदार टाइप, लेकिन अंदर ही अपना डिटेक्टिव वाला दिमाग लगाती रहती है। इसको सिल्को को पकड़ना होता है बेसिकली। ये समझ रही होती है कि सिल्को के पिल्टोवर में कुछ छुपे हुए बिजनेस चल रहे हैं, और ये सच भी होता है। वो पुलिस ऑफिसर, याद होगा, वो पिल्टोवर में रह के सिल्को के लिए छुप के काम करता है, मजबूरी में ही करता है लेकिन करता तो है, उसको ब्लैकमेल करता है सिल्को इसलिए। तो अपने को यहाँ एक फाइट सीक्वेंस दिखाते हैं जहाँ जिंक्स वगैरह ये फाइट कर रहे होते हैं कुछ मास्क लगाए हुए और हवा में उड़ रही गैंग से। शिमर के लिए फाइट हो रही होती है बेसिकली। तो इस गैंग के बारे में फिलहाल अपने को कुछ बताया नहीं गया, ना ही ज़्यादा इनको दिखाया गया एक्ट टू में। एक्ट थ्री में इनके बारे में पता चलेगा, सस्पेंस अच्छा है। तो अब इस फाइट के बाद यहाँ केटलिन को पता चलता है जिंक्स के बारे में। इसको ये समझ में आ रहा होता है कि जिंक्स नेम की कोई शख्स है जो सिल्को के अंडर काम करती है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिल्को के लिए। तो अब ये यहाँ पर अपना CID वाला दिमाग लगाने लगती है। जेस को भी ये सब बताती है बट उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर कुछ टाइम बाद जिंक्स ये अटैक करती है पिल्टोवर में खुद अकेले जाके। बताया था मैंने कि सिल्को के अंडर काम तो करती है बट उसके इशारों पे काम नहीं करती। तो पिल्टोवर को सिर्फ ये दिखाने के लिए कि इससे पंगे मत लें, इस वजह से ये अटैक करती है। और यहाँ पर ये एक हेक्स जेमस्टोन को भी चुरा के ले जाती है अपने साथ, और सिल्को को दिखाती भी है। और उस जेमस्टोन पे खुरपेची करने के बाद इसको रियलाइज़ हो जाता है कि ये एकदम वैसा ही स्टोन है जैसा इसने छोटे में यूज़ किया था, जिस वजह से बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था। तो इस वजह से ये इस जेमस्टोन का यूज़ करके अपने हथियार वगैरह बनाने का ट्राई करने लगती है। और इस साइड सिल्को और जिंक्स पे इन पे CID गिरी करते करते केटलिन को पता चलता है एक शख्स के बारे में, वही अपनी वाय जो पिल्टोवर की जेल में होती है इस टाइम। तो केटलिन यहाँ फर्स्ट टाइम जेल में आके वाय से मिलती है, और केटलिन को इस टाइम पे वाय के बारे में कुछ नहीं पता था सिवाय इसके कि ये भी अंडर सिटी से बिलोंग करती है और ये सिल्को और उनकी गैंग से अच्छे से वाकिफ है। और ये जब जिंक्स का लोगो वाय को दिखाती है तो वो तुरंत समझ जाती है कि इन सबके पीछे पाउडर है। ये कुछ बताती नहीं फिलहाल केटलिन को, लेकिन ये समझ जाती है। तो अब सिल्को और जिंक्स तक पहुंचने के लिए केटलिन को वाई की हेल्प लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो उन सबको जानती है अच्छे से वाकिफ अंडर सिटी से। तो इस वजह से ये जेस का नेम लगा के, क्योंकि वो एक काउंसलर होता है, तो ये वाई को जेल से बाहर निकलवा लेती है आराम से। तो अब इस पॉइंट से केटलिन और वाई इनकी दोस्ती नहीं बोलूंगा मैं, इनकी केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि सच में इनके बीच में कुछ फील कर सकते हैं अपन। जब साथ में होती हैं दोनों तो वादियों में प्यार की बौछार होने लगती है। ज़्यादा हो रहा शायद, बेसिकली इनका लेस्बियन रोमांस चलता है यहाँ पर और कुछ नहीं, क्योंकि वाई ठहरी अपनी मर्द टाइप शक्त लड़की और अदर साइड में केटलिन नॉर्मल डैडीज प्रिंसेस टाइप। तो इस वजह से इनका समझ जाओ, वैसे सीज़न 1 में कुछ हुआ नहीं इनके बीच में, लेकिन फ्यूचर ब्राइट लग रहा है दोनों छोरियों का। एनीवे, वाई यहाँ से केटलिन के साथ जिंक्स को ढूंढने में लग जाती है। सिल्को को जब ये बात पता चलती है तो ऑब्वियसली पहले ये शॉक होता है, क्योंकि इसके हिसाब से तो वाई मर चुकी थी। और इसको अब डर भी लग रहा होता है, क्योंकि ये समझ जाता है कि वाई के पास इतनी पावर है कि वो अपनी बहन को इससे छीन के ले जा सकती है। खून का रिश्ता भाई साहब, खून का रिश्ता। इसलिए पहली फुर्सत में वाई पे अटैक करवाता है, और इसके लोगों के पास शिमर था, शिमर की पावर थी, इस वजह से वाई कमज़ोर पड़ रही थी, लेकिन केटलिन इसकी आके जान बचाती है। खैर, इस साइड मेन जो झोल चल रहा होता है वो हो रहा होता है विक्टर के साथ, क्योंकि इसका सारा फोकस होता है क्रिस्टल पे, और अपन देख सकते हैं कि ये उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा होता है, या फिर उसके अंदर जो भी है वो इसको अपनी तरफ खींच रहा होता है। इवन अपने को दिखाते हैं एक सीन जहां विक्टर का ब्लड उस क्रिस्टल के अंदर जाता है, और ये सीन जिस तरह अपने को दिखाया गया है एक मेटाफोरिकली वे में, जहां फ्रंट में विक्टर का ब्लड होता है वो उस क्रिस्टल के अंदर फैल रहा होता है, और सेम टाइम में जेस इंटीमेट हो रहा होता है अपनी फेलो काउंसलर के साथ। तो इसका मीनिंग कुछ ऐसा हो सकता है कि विक्टर के ब्लड से क्रिस्टल के अंदर कुछ लिविंग थिंग इवॉल्व हो रही होती है, या फिर बोल सकते हो कि पैदा हो रही होती है। एनीवे, यहाँ पर अपने को विक्टर का पास्ट दिखाया जाता है, इसका बचपन, जहाँ ये गुफा में जाता है और इसको एक स्ट्रेंज प्लेस देखने को मिलती है जहाँ एक वियर्ड सा आदमी होता है और उसके साथ एक हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन वाला ड्रैगन होता है, याद होगा, वैसा टाइप का प्राणी होता है कोई, और वो एक फ्लावर टाइप चीज पे फीड करता है। और अब इस चीज को और इस प्राणी के बारे में अपने को सीरीज में फिलहाल कुछ भी नहीं बताया गया, मे बी सीजन 2 में कुछ बताया जाएगा। यहाँ पर बस इतना दिखाते हैं कि नेक्स्ट डे छोटा विक्टर जब यहाँ आता है वापस तो देखता है कि वो वियर्ड आदमी उस प्राणी के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहा होता है। एक्चुअली में उसने पहले बताया था कि वो प्राणी मर रहा होता है, कि उसे जिंदा रखने का ट्राई कर रहा है और कुछ नहीं। तो अब ये पास्ट में जो वो वियर्ड आदमी था उसके बारे में मैंने लास्ट पार्ट में बताया था, इसका नेम होता है सिंज्ड, वही जो फिलहाल काम करता है सिल्को के साथ।
इसका फेस जला होता है, गेम में इसका फेस नहीं जला था। और यहाँ पर इसी ने उस शिमर वाले मटेरियल को बनाया भी था सिल्को के लिए। और यहाँ पर थ्योरीज आ रही हैं कि वो जो प्राणी था ड्रैगन टाइप, वो मेन ओरिजिन है शिमर का, उसी से ये शिमर ओरिजिनेट होता है। ये चीज कंफर्म नहीं है फिलहाल, सीजन 2 में हो सके अपने को पता चले। खैर, अब लास्ट में इन बहनों पे आते हैं। तो जिंक्स को जब पता चलता है कि इसकी बहन वाय टाउन में वापस आ गई है, तो सेम सिल्को जैसा रिएक्शन इसका भी होता है। पहले ये शॉक होती है कि अरे वो तो मर गई थी, लेकिन फिर सेम टाइम में ये अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है सिल्को को लेके। इसको लग रहा होता है कि सिल्को ने इससे झूठ बोला था कि वो मर चुकी है। तो ऐसा धमकी ये सिल्को के लिए एक तोहफा भी रख के जाती है, एक्चुअली में लटका के जाती है, जिसमें लिखा होता है लायर, मतलब ये सिल्को को झूठा बोल रही होती है कि तुमने मेरी बहन के बारे में झूठ बोला। तो इस वजह से सिल्को को वाय को मारना होता है जिंक्स तक पहुंचने से पहले। ये पूरा ट्राई भी करता है, फेस टू फेस आता है वाय के सामने और केटलिन के सामने, और अपने मॉन्स्टर्स भी छोड़ता है वाई के पीछे, बट वाई किसी तरह बच बचा के इसके सामने से निकल जाती है और फाइनली टकरा जाती है जाके अपनी बहन से, मतलब जिंक्स से, मतलब पाउडर से, कितने नाम है इसके। तो जिंक्स पहले काफ़ी खुश होती है वाई को देख के, काफ़ी अच्छा रियूनियन होता है इनका अभी तक। वाई सॉरी भी बोलती है इससे, लेकिन तभी केटलिन यहाँ आ जाती है वाई की पार्टनर बन के। तो जिंक्स अटक जाती है, क्योंकि पहले वाई और जिंक्स ये दोनों छोटे में साथ में पिल्टओवर के अगेंस्ट काम करते थे। तो जिंक्स को लगने लगता है कि केटलिन जो पिल्टओवर से बिलोंग करती है, तो इस वजह से वाई भी पिल्टओवर के साइड चली गई है, वो उनके लिए काम करने लगी है। और ये पागल होती है, तो ये ओवरथिंक करने लगती है कि वाई इससे मिलने नहीं आई है, बल्कि वो जेमस्टोन चुराने के लिए आई है बस। और केटलिन को भी इसी टाइम पे ये राज पता चलता है कि जिंक्स और कोई नहीं बल्कि वाई की छोटी बहन है। तो बहुत गलत टाइमिंग चल रही होती है, इन सबके लिए गलत माहौल बन गया होता है। अभी तक तो अच्छा था, लेकिन अब खराब रियूनियन हो गया। और जिंक्स बोलती है वाई से कि अब ये पाउडर नहीं रही, ये जिंक्स है। और इसी बीच में, मतलब इनके खराब रीयूनियन के बीच में, वही मास वाले लोग, उड़ने वाले लोग इन पे अटैक कर देते हैं और ये तीनों उनसे फाइट करते हैं। और वाई यहाँ देखती है कि जिंक्स सच में इसकी छोटी मासूम पाउडर नहीं रही, ये बिना सोचे समझे गोलियों की बारिश करती है लोगों पे, बिल्कुल खौफनाक लग रही होती है ये। लास्ट में वाई और केटलिन को वो मास्क पहने हुए लोग बेहोश कर देते हैं और जेमस्टोन भी उनके हाथ लग जाता है। तो वो सिर्फ जिंक्स को यहाँ अकेला छोड़ के बाकी सबको अपने साथ लेके चले जाते हैं। सिंपली केटलिन और वाई को वो किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। तो अब जिंक्स यहाँ फिर से अकेली बची, बहन तो गई ही, साथ में वो जेमस्टोन भी गया। तो एकदम वही माहौल बन जाता है जैसा एक्ट 1 के लास्ट में बना था, वहां पर भी अकेली छूट गई थी। तो अब एग्जैक्टली इसी पॉइंट से अब एक्ट 2 भी खत्म हो जाता है। लास्ट में जैसा रियूनियन एक्सेप्ट किया था वाई ने अपनी बहन के साथ, वो वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, केटलिन की वजह से थोड़ा झोलझाम हो गया। खैर, अब यहाँ से स्टार्ट होगा एक्ट 3, जिसमें समझ ही सकते हो कि पंगे होने वाले हैं, वाई वर्सेस जिंक्स, जिंक्स वर्सेस सिल्को, क्योंकि अब इसको सिल्को पे भी ट्रस्ट नहीं रहा इसलिए। और अदर साइड में वो हैशटैग का बवाल अलग ही चल रहा है। और अभी तो बस शुरुआत है, विक्टर की पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी और जेस भी अब आगे जाके अंडर सिटी पे थोड़ा ध्यान देने लगेगा, ये भी एक हीरो की कैटेगरी में आता है, भूलना मत। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। ये वीडियो पसंद आई हो तो आपको पता ही क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अंडरस्टूड है। तो मिलते हैं एक्ट 3 में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय। तो सबसे पहले चुन्नू सा रिकैप ले लेते हैं। गला गला गला।